इस वक्त मैं सूबे का दूर दराज एक ज़िला डेरा बुगटी के इलाका बेकड़ में मौजूद हूँ और यहाँ पर हमने देखा कि हालिया दिनों में एक बहुत बड़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जलसा भी हुआ, गो के एक बड़ा चैलेंजिंग था। यहाँ पर माजी का अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो यहाँ पर लोगों का घरों से निकलना इंतहाई मुश्किल था, मगर बहुत बड़ा जलसा जो है यहाँ पर मुनक़िद हुआ और जलसे की मेज़बानी जो है वो डेरा बुगटी बेकड़ से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवार भी है डेरा बुगटी से मीर सरफराज बुगटी, जो सेनेटर भी है, साबिक सूबाई वज़ीर दाखिला भी रह चुके हैं, उन्होंने मेज़बानी की। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी, उनसे बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया। जैसे कि मैंने कहा कि डेरा बुगटी का इलाका इतना बड़ा जलसा, इंतखाबात की तैयारियां क्या समझते हैं कि पूरे बलूचिस्तान में किस कदर जारी है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आपका शुक्रिया, आप इतने दूर दराज इलाके में तशरीफ़ लाए और यहाँ आके हमारे जलसे की कवरेज की। मैं समझता हूँ कि ये बलूचिस्तान के बड़े जलसों में से एक जलसा तारीख़ी तौर पर याद रखा जाएगा। गो के हेलीकॉप्टर्स की वजह से प्रेसिडेंट साहब आ नहीं सके, लेकिन आपने ख़ुद लोगों की तादाद और लोगों का जोश खरोश देखा। मेरे ख़्याल में इंतखाबात जो हैं वो जूँ जूँ करीब आते जा रहे हैं तो जोश खरोश लोगों में ज़्यादा आ रहा है और इंशाल्लाह ताला ये पुरअमन इंतखाब जो है वही पाकिस्तान को आगे लेके जाएगा। सर क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी में शमूलियत, चूँकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी से आपका ताल्लुक़ था, एक मजबूत रहनुमा थे आप उनके, टूट के पीपल्स पार्टी में, और समझते क्या है पीपल्स पार्टी का बलूचिस्तान में आइंदा इंतखाबात में क्या मुस्तकबिल हो सकता है? देखिए, बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जब दाग बैल रखी गई तो हम उनमें शामिल थे और हमारी सोच ये थी कि फेडरेशन को मजबूत किया जाए और जो फेडरलिस्ट पॉलिटिक्स लोग करते हैं वो इस जमात का हिस्सा बने। और 18th अमेंडमेंट के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो जो पावर्स मिली थी प्रोविंसेस को, ताकि हम अपने फ़ैसले ख़ुद कर सकें, और सबसे बड़ा मकसद उसका यह था कि जो सिक्योरिटी का पैराडाइम है और डेवलपमेंट का पैराडाइम है वो पैरेलल चले। तो मैं समझता हूँ कि उसमें बहुत हद तक नाकामी भी हुई और वो तारीख़ बताएगी कि कहाँ कहाँ किस किस ने गलती की। बहरहाल मैं समझता हूँ कि अब हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था कि फेडरेशन की जमात को ज्वाइन करें, बिकॉज़ आपको पता है कि हम अपने फ़ादर के टाइम से और उससे भी पहले हमने हमेशा फेडरेशन की पॉलिटिक्स की है और उसकी डिमांड थी कोई मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी, और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एक फेडरेशन की जमात समझी जाती है। इसी उम्मीद के साथ कि बलूचिस्तान के जो मसाइल हैं हम इस फोरम से बैठ के एटलीस्ट हाईलाइट कर सकें। जिस जमात में भी होते हैं या ऐवान बाला में होते हैं, अहम रोल आपको दिया जाता है, क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी में अहम रोल, यानी कि वज़ीर आला बलूचिस्तान अगर आप कामयाब होते हैं इस तरह का रोल दिया जाएगा, या समझते हैं क्या समझते हैं कि बलूचिस्तान के लिए वो क्या करना चाहेंगे आप, ख़ास तौर पर डेरा बुगटी के लिए अगर मुंतखब हुए? देखिए, एक तो मैं चीफ मिनिस्टरशिप का कैंडिडेट नहीं हूँ और पार्टी ने ये फैसला करना है, इस पर कोई सोच विचार नहीं हुई। जो मैं इस वक्त एक पीपल्स पार्टी का वर्कर हूँ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर की हैसियत से और पाकिस्तान बहैसियत स्टेट के एक लॉयलिस्ट की हैसियत से मैं समझता हूँ मेरा जो रोल होगा वो मैं प्ले करता रहूँगा, चाहे मैं ऐवान में हूँ या ना हूँ। पाकिस्तानियत की आवाज़ जो है वो कम से कम डेरा बुगटी से और सरफराज बुगटी के मुंह से उसको कोई बंद नहीं कर सकता है। जब तक सांसें चलेंगी पाकिस्तान की खिदमत करेंगे, पाकिस्तान का नैरेटिव बताएंगे, जो अनपॉपुलर नैरेटिव हो सकता है लेकिन हक पे और सच पे मबनी हो। चैलेंजिंग कितना है डेरा बुगटी के अलावा बाकी ज़िले भी इस तरह है, चैलेंजिंग है वहाँ पर? आप समझते चैलेंजिंग गेमा गेमी में हिस्सा लेना या डोर टू डोर जाना? देखिए, चैलेंजेस तो हैं। जब जो रॉ फंडेड लश्कर हैं उनको आप आज़ाद छोड़ दें और जो उनके लेजिटिमेट वॉइसेस हैं उनको आप आके वो असम्बलियों तक पहुंच जाएं, और फिर जो उनको काउंटर कर रहे हैं जिसमें सीटीडी है, जो काउंटर टेररिज्म है, या एफसी बलूचिस्तान है, उनको मेलाइन कर दें, उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडाज करें, मेन स्ट्रीम टीवीज़ पर बैठ के सीटीडी के ख़िलाफ़ एफआईआरस करें, मेन स्ट्रीम टीवीज़ पर बैठ के उनके ख़िलाफ़ प्रोग्राम करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि दहशतगर्दी की जंग इस तरह लड़ी जाएगी। कौमें जंगें इस तरह नहीं लड़ती जैसे हम लड़ रहे हैं। ये जंग सिर्फ पाकिस्तान की फ़ौज की थोड़ी है, ये जंग पॉलिटिशियंस ने लड़नी है, ये जंग मीडिया ने लड़नी है, ये जंग जुडिशरी ने लड़नी है। जब हम यूनाइट होकर ये जंग लड़ेंगे तभी रिजल्ट्स आएंगे। सर आखिरी सवाल, मुंतखब होते हैं, क्या समझते हैं कि डेरा बुगटी या बेकड़ के अलावा बलूचिस्तान में वो कौन सा काम जो है आप करना चाहते हैं जो अधूरा रह गया है आपसे? मेरा ख्याल है कि अगर करप्शन को हम माशरे से निकाल फेंकने की कोशिश करें, ये जो कमीशन माफिया है इससे अपनी जान छुड़ा लें, तो बलूचिस्तान को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। सर इसी से रिलेटेड कि तालीम, सेहत, इस वक्त हमारा बलूचिस्तान जो है दूर दराज ज़िले वहाँ पे बड़ी मुश्किल है, क्या समझते हैं कि वाकई में मुश्किलात का सामना है इस हवाले से? देखिए, मैं समझता हूँ सिर्फ करप्शन को अगर आप बलूचिस्तान से निकाल दें तालीमी निज़ाम हो, सेहत का निज़ाम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। हमें करप्शन दीमक की तरह चाट चुकी है, हम ब्लीड कर रहे हैं बुरी तरीके से करप्शन की वजह से। जिस दिन इस मुल्क में करप्शन ख़त्म होगी, बिलखसूस बलूचिस्तान में ये जो कमीशन माफिया है, ये जो टीचर्स यूनियंस हैं, डॉक्टर यूनियंस हैं, ये सारी रियासत को, हुकूमतों को ब्लैकमेल करने के लिए है, डिपार्टमेंट्स को ब्लैकमेल करने के लिए। जब तक आप आयरन हैंडेडली करप्शन के ख़िलाफ़ ड्राइव नहीं करेंगे, बलूचिस्तान ठीक नहीं हो सकता। बलूचिस्तान में तो मखलूत हुकूमत हमेशा बनती आई है। मखलूत हुकूमत में ये समझते नहीं है कि क्योंकि आप माजी में हुकूमत का हिस्सा भी रहे, मुश्किल होती है फैसला करना किसी भी एक जमात को। देखिए, हम जब होम मिनिस्टर बलूचिस्तान था, मैं डॉक्टर मालिक बलोच साहब मेरे चीफ मिनिस्टर थे, बाद में सनाउल्लाह ज़हरी साहब और फिर क़दूस बलोच साहब, ये फैसला किया था कि पुलिस जो है वो डीपोलिटिसाइज हो गई। तो करके दिखाई थी ना, क्या हुआ था? मखलूत हुकूमत थी, पुलिस डीपोलिटिसाइज थी, एक SHO भी किसी पॉलिटिकल आदमी के उस पर नहीं लगा हुआ था। दिस इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट चैलेंज, दो इट इज़ अ चैलेंज बट इट इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट। ये डुएबल है, ये किया जा सकता है। बलूचिस्तान के जो इलेक्टेड नुमाइंदे आते हैं वो भी बलूचिस्तान की बेहतरी चाहते हैं। जब उनको कन्विंस किया जाए कि ये चीज़ें बलूचिस्तान को ब्लीड कर रही हैं, बलूचिस्तान के लोगों को ब्लीड कर रही हैं, आम बलूचिस्तानी सर्दी में ठटर रहा है, गर्मी में झुलस रहा है, किसी ने तो उसके बारे में सोचना है। जब उसके बारे में सोचेंगे तो खुद ब खुद चीज़ें ठीक होंगी। बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने का। जैसा कि सेनेटर मीर सरफराज बुगटी की बात सुनूँ का यही कहना है, यकीनी तौर पर इस वक्त बलूचिस्तान में हम देख भी रहे हैं कि गेमा गेमी उरूज पर है इंतखाबात में तैयारियों के हवाले से। साथ ही साथ सरफराज बुगटी का ये भी कहना था कि जब तक करप्शन का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा नहीं किया जाता, तरक्की और खुशहाली का ख्वाब जो है वो शर्मिंदा ताबीर होना काफ़ी मुश्किल है।